स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। महासमुंद और दुर्ग में रैली और आम सभा के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री ने जताई चिंता। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। और राज्यपाल ने कहा छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं, राज्य सरकार बाजार उपलब्ध कराने की पहल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के रूप में देश को एक ऐसी ऊर्जा मिली है जो आज भी भारत को ऊर्जावान किए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह विचार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर अपने वीडियो संदेश के जरिए व्यक्त किए। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को ही खरीदने का प्रयास करें ताकि देशवासियों की मदद की जा सके। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा के चलते ही सरकार संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, नागरिकता संशोधन कानून पारित करने और राम मंदिर के जैसे बड़े मुद्दों पर फैसले ले सकी। युवकों से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चले इस अपेक्षा आग्रह करता हूं। क्या हम 2022 तक, बाकी आगे क्या करना देखेंगे, 2022 तक जितना संभव हो सके लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें, ऐसा करके आप जाने अनजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे, आप अपने लक्ष्यों में सफल हो, अपने जीवन में सफल हो। लखनऊ में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्य तथा खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। इधर राजधानी रायपुर में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव में राज्य के विभिन्न ग्रामीण खेलों, लोक नृत्य, ललित कला और शास्त्रीय संगीत पर आयोजित प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। अपने संबोधन में राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस आयोजन से राज्य की स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही खेल प्रतिभाएं भी निखरकर बाहर आएंगी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे हौसलों के साथ संकल्प लेकर आगे बढ़ें तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का छत्तीसगढ़ के साथ गहरा संबंध रहा है। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान स्वामी विवेकानंद बूढ़ापारा स्थित जिस डे भवन में ठहरे थे उसे स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री ने नौजवानों को खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा भी दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने खेल विकास प्राधिकरण के लोगो का विमोचन किया, साथ ही मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर गीत गाने वाले दिव्यांग बच्चों सुमन यादव, रूप वर्षा, वसुंधरा और अभिनंदन को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और खेल मंत्री उमेश पटेल के साथ अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी नागरिकता संशोधन कानून CAA को विभिन्न संस्थाओं के साथ ही आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं भाजपा द्वारा CAA के प्रति जागरूकता के लिए घर घर संपर्क अभियान भी जारी है। इसी सिलसिले में महासमुंद में आम सभा आयोजित कर एक रैली भी निकाली गई। इसे सांसद चुन्नीलाल साहू और पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा के साथ ही भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।
इन वक्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को देश हित में बताते हुए प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड पर अपना समर्थन लिखकर दिया। सीएए के समर्थन में निकाली गई रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होती हुई तहसील कार्यालय में संपन्न हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को समर्थन पत्र भी सौंपा। पार्टी की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि यह बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला है। इस कानून से किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। कि जो धर्म के आधार पे इस देश का विभाजन हुआ था और यहाँ से भारत देश को छोड़ के जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए थे, उनके साथ आज जितने अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ से उन अत्याचारों के कारण जो अपने भारत देश में आके कुछ नागरिक यहाँ पे काफी समय से निवासरत हैं और उनको यहाँ पे रहने के बावजूद भी इस देश की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, विशेषकर उनके लिए यह जो नागरिकता संशोधन कानून है ये लाया गया है और इसमें ये किसी का जो आज़ादी है उसको छीनने की बात नहीं है, बल्कि उनको नागरिकता देने की बात है। किसी की नागरिकता हम छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह भिलाई में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा की अगुवाई में एक रैली निकाली गई। यह रैली सेक्टर 1 से शुरू होकर हुडको पहुंची। इस दौरान युवाओं ने सीएए के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य नितेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि कतिपय लोगों द्वारा इस संशोधित कानून को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रहित में उचित नहीं है। आज सीएए के समर्थन में हम सब लोगों ने रैली निकाली है और एक तरफ से देखा जाए तो यह किसी की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है, अभी तो नागरिकता देने वाला भी यह बिल है और किसी शोषित को अपनी जिंदगी मूलभूत अधिकारों के साथ जी सके ऐसा भी यह बिल है। हम इसके लिए केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान विभाजन से पहले पाकिस्तान में लगभग 17% अल्पसंख्यक आबादी थी, जो घटकर के 3% पे आ गई और 1971 के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ पर 22% की अल्पसंख्यक की आबादी 4% पे आ गई। ऐसा क्या कारण था? क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था और इस्लाम को नहीं मानने वाला वहाँ जिहादी कहलाता है और काफिर कहलाता है, इसलिए वहाँ पे अल्पसंख्यकों का लगातार उन्मूलन किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो सीए का बिल लाया है, इसका हम समर्थन करते हैं। परिषद और भाजपा युवा मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि वे इस कानून को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों से सतर्क रहें। इससे देश में रह रहे किसी भी नागरिक की नागरिकता वापस नहीं ली जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई 4% बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों की बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक ने सड़कों पर गड्ढा भरने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वैसे आज यहाँ बच्चे भी बड़े प्रमाण पर उपस्थित हैं। मैं सबसे ज्यादा हमारे देश के हायर एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, इसमें सभी प्राचार्य, टीचर्स जो है, शिक्षक है, उनको सबको अनुरोध करता हूं कि हमारे जो भविष्य के नागरिक है, जो बच्चे हैं, उनको अगर हम ठीक प्रकार से ट्रेनिंग देंगे और उनको इसके बारे में अगर ठीक प्रकार से अवेयरनेस तैयार करेंगे तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट में बहुत कमी आएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी हितधारकों से समन्वय बनाकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से देश की जीडीपी में 2% तक की गिरावट होती है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। इस अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बेहतर कार्य करने पर तमिलनाडु राज्य को पुरस्कृत किया गया। इधर रायगढ़ में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने इसका शुभारंभ किया। 17 जनवरी तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान यातायात नियमों पर आधारित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।
इतना ही नहीं, सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के बाद गणमान्य नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और मोटर वाहन डीलर हेलमेट जागरूकता रैली में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि लोगों को जागरूक करने और लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड है, सक्रिय है, अतिक्रमण भी है और रोड पे जो वाहनों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। विशेषकर भारी वाहनों की बात किया जाए, उनकी संख्या न जाने कितनी गुनी हो चुकी है। तो जरूरत तो ये है कि अतिक्रमण हटाया जाए, उनका मैनेजमेंट किया जाए, रोडों को चौड़ी किया जाए, रोडों को रिपेयर किया जाए। और एक जो सबसे ज़रूरी ये है कि इस बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स उन रोड्स पे हैं जहाँ बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। उनकी लिस्ट भी यातायात सप्ताह में हम लोग भी दोहराएंगे और प्रशासन को देंगे, जिनके द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी है, संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है। इन सारी चीज़ों से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कार्यक्रम में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश भी जारी किए गए, साथ ही यातायात उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में फूलों की खेती की भरपूर संभावनाएं हैं और वे इस बात का प्रयास करेंगी कि सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने की पहल करे। ये बात राज्यपाल ने रायपुर के गांधी उद्यान में आयोजित फल फूल सब्जी प्रदर्शनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि फल फूल अब केवल बगीचों की शोभा नहीं है, बल्कि इसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी का जरिया मिल रहा है। सुश्री उइके ने कहा कि जो प्रकृति के साथ रहता है उसे जीवन में काफी सुकून मिलता है। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न उद्यानों की देखरेख करने वाली विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम समारोह को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही राज्यपाल रायपुर में ही आयोजित स्वदेशी मेले के समापन समारोह में भी शामिल हुई। राज्यपाल ने लोगों को आह्वान किया कि वे स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, इससे देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। सुश्री उइके ने यह भी कहा कि स्वदेशी न केवल हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक है, बल्कि इससे हमें आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी जगह कायम रखने के लिए स्वदेशी उत्पादों को महत्व देना होगा। सुश्री उइके ने कहा कि इससे देश की पूंजी विदेश जाने से बचेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। राज्यपाल ने स्वदेशी मेले में स्टॉलों का अवलोकन भी किया। राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा के जूनियर वर्ग में दुर्ग और सब जूनियर वर्ग में भिलाई के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। भिलाई में राज्य कुश्ती संघ द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दुर्ग के अलावा जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायपुर सहित अन्य जिलों से 150 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में बालक वर्ग के साथ बालिकाओं ने भी अपना दमखम दिखाया। इस स्पर्धा के जरिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राज्य कुश्ती संघ के महासचिव प्रशांत राय ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को पटना और हिमाचल प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। अपना स्टेट चैंपियनशिप जूनियर सब जूनियर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए जो आज ये टूर्नामेंट हम कराएंगे इसके लिए टीम नेशनल जाएगी, जो कि पटना और हिमाचल में होगा। करीबन 150 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं कुश्ती के लिए। ये अपना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि स्टेट चैंपियनशिप में इतने लोग बढ़ के आ रहे हैं। ये तीन स्टाइल में होती है, जैसे फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और गर्ल्स का फ्री स्टाइल। छत्तीसगढ़ में अभी हमने नेशनल में, सीनियर नेशनल में ट्रेडिशनल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और उसके पहले हम 60 kg में जो अपना सीनियर नेशनल में सिल्वर भी जीत चुके हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में रेसलिंग को अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा तो नहीं है, लेकिन ये मेडल आने के बाद बहुत लोगों खिलाड़ियों में उत्साह है और उम्मीद है कि अभी जब अब नेशनल जाएगी तो इस बार भी मेडल हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।